अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, हमें अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए जिसने पहले हमें रजब का महीना अता किया, फिर शाबान का महीना दिया और अब रमज़ान का महीना हमें दिया है। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में आप इस अमल को ज़रूर लाजमी करें। इंशाअल्लाह आपको इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत से नवाजेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ से रिस्क आ रहा है और दौलत किधर से आ रही है। याद रहे कि रमज़ान महीने का इंतज़ार हर किसी को होता है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क को बढ़ा देते हैं। जो बेरोज़गार हो उसको रिस्क मिल जाता है, जो तंगदस्त हो उसकी तंगदस्ती दूर हो जाती है। ये आप देखे होंगे कि आम दिनों में हमारे दस्तरखान के ऊपर इतनी चीज़ें नहीं होती जितनी कि रमज़ान के महीने में अफ्तारी के वक्त और सहरी में हमारे दस्तरखान में मौजूद होती हैं। और इसकी वजह यही है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा बरकत रखी है। हर आदमी का रिस्क इस माह मुबारक में बढ़ जाता है। और बात की जाए नेकियों की, तो इस महीने में नेकियों का जोर भी बढ़ जाता है और गुनाह कम हो जाते हैं। गुनहगार इंसान भी नेकी की जानिब दौड़ कर जाता है और बुराई का रास्ता छोड़ देता है। इस मुबारक महीने में हर तरफ एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है, अगर कोई शख्स इस महीने में बुराई की जानिब बढ़ने लगे तो वहीं रुक जाता है। इस माह मुबारक में आपने इस अमल को ज़रूर करना है और ये अमल आपने अभी से शुरू करना है और चलते फिरते इस अमल को आप ज़रूर कर लें। फिर आप खुद देखेंगे कि इसकी बरकत से कैसे आपके लिए और रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। एक तस्बीह अमल है लेकिन ऐसा लाजवाब है कि आप इसकी समरात देखकर आपको इसकी ताकत का अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा। यही अमल हमारे एक भाई ने जब किया तो उसे इसकी बरकत से क्या फ़ायदा हुआ था ये भी आपको बताया जाएगा। वजीफे का मुकम्मल तरीका क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। प्यारे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी शान रखी है। इस महीने में अल्लाह ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया और इसी महीने में वो मुबारक रात मौजूद है जिस रात में कुरान पाक उतारा गया और इस रात को शब कद्र या लैलतुल कद्र रखा, जो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। और रमज़ानुल मुबारक की फजीलत की एक बड़ी वजह ये रात भी है। इस महीने में हर किसी को ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे। हर कोई नमाज की पाबंदी करता है और हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तिलावत में गुजारता है, लेकिन बहुत सारे बदबख्त ऐसे भी होते हैं जो इस महीने की मुबारक घड़ी गफलत में गुजार देते हैं। और मुसलमान को चाहिए कि वो इस महीने की कद्र करे, क्योंकि ये महीना हमारे पास एक मेहमान की तरह होता है और इस महीने में इंसान को चाहिए कि रमज़ान की खूब कद्र करे। मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, आज की दौर की बात की जाए तो हर कोई रिस्क और रोजगार के लिए परेशान है। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, गरीब आदमी मुश्किल से आटा चीनी चावल पूरे करते हैं और हर कोई महंगाई की वजह से परेशान है। इसलिए जो लोग परेशान हैं उनको चाहिए कि ये तस्बीह रमजान के महीने में लाजमी पढ़े, अभी से ये अमल शुरू कर ले। पूरा महीना आपने ये अमल करना है, इसके बरकत से आपको इतना रिस्क मिलेगा कि आप इसको अपने सिर पर उठाकर चलोगे। बहुत मुजर्रब अमल है और इस अमल को आपने लाजमी करना है और इस अमल को आपने मिस नहीं करना। इंशाअल्लाह आपको रिस्क और रोजगार की कभी तंगी नहीं होगी और आप पर पूरा साल रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगी। याद रहे कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमाता है, इसलिए आपने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब मांगना है। जो अमल मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक तस्बीह का अमल है। ये तस्बीह क्या है और आपने कैसे करनी है आपने गौर से सुनना और समझना है। यकीन जानिए इस तस्बीह की बरकत से आपको ऐसे ऐसे मौजज़ात देखने को मिलेंगे कि आप इस अमल को हमेशा के लिए अपना मामूल बना लेंगे। और जब एक बार इसको शुरू करेंगे तो फिर आपका दिल इस अमल को छोड़ने का नहीं करेगा। याद रहे कि जब मैं तस्बीह का जिक्र करूंगा, इससे मुराद 100 दाने वाली तस्बीह होती है, तो आपने तस्बीह पहले से लेनी है ताकि आप आसानी से अमल कर सकें। ये अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफाती नाम का अमल है और साथ में कुरान का एक कलमा भी है। इस अमल का फ़ायदा आप अपनी आंखों से देखेंगे। आपने ये अमल तन्हाई वाली जगह पर बैठकर करना है। अमल का तरीका यह है कि आपने तस्बीह के हर दाने पर ये कलिमात पढ़ने हैं, या रज़ाक़ु अल्लाहुस्समद या रज़ाक़। एक तस्बीह के दाने पर आपने ये कलिमात पढ़ने हैं और फिर दूसरे दाने पर भी यही कलिमात पढ़ने हैं
और इसी तरीके से आपने हर दाने पर या रज़ाकु अल्लाहु समद या रज़ाक पढ़ना है। पहले भी आपको बताया कि इस अमल को आपने रमज़ानुल मुबारक में शुरू करना है और इसको आपने पूरा महीना जारी रखना है। बेहतर तो यह है कि अमल की कोई जगह और वक्त मुकर्रर किया जाए, वरना आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पर अमल कर सकते हैं और चाहे तो चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ ले। याद रहे कि इस अमल की बरकत से आपकी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी और आप पर रिस्क की ऐसी बारिश होगी कि आप हैरत में पड़ जाएंगे और आप इंशाल्लाह इस अमल की बरकत की वजह से इस अमल को जरूर जारी रखेंगे। कि अगर आपको ये वीडियो अभी मिला हो तो आपने इसी दिन से इस अमल को शुरू कर देना है जिस दिन आपको ये वीडियो मौसूल हुई हो। इस अमल को आपने खुद भी करना है और इस तस्बीह अमल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है ताकि बाकी मुसलमान बहन और मुसलमान भाई भी इस अमल का फायदा हासिल हो। प्यारे भाइयों, याद रहे कि रोजा एक ऐसी इबादत है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और इसका सवाब भी मैं ही दूंगा। और खुद ही सोच लीजिए कि जिस इबादत की जजा खुद अल्लाह ताला अता फरमाएंगे तो फिर रोजे की अज्र को कौन समझ सकता है कि इसका अज्र कितना देंगे। मेरा आप सबके लिए ये पैगाम है कि रमजान में अपनी बख्शिश करवा ले, अपनी मरहूमिन के लिए दुआएं मांगे, उनकी बख्शिश की दुआएं करे और अपनी दुनिया और अपने आखिरत के लिए अल्लाह ताला से फैसले करवाए। एक भाई ने इस अमल को किया, उसको ऐसा फायदा हुआ कि उसने ये तस्बीह को अपना मामूल बना लिया। वो भाई बताते हैं इसके बारे में कि मेरे पास पहले पैसा टिकता नहीं था और अब उनका बटवा खाली नहीं होता। आपने अमल को लाजमी करना है और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है कि अल्लाह ने रमज़ान की खैरों से और बरकतों से और रहमतों से मालामाल फरमाए। आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल नया वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।